कार्यक्रम सुनने बारे सभी बहन भैयान को राम राम। भैया कछु महीना पहले तक यानी 2 महीना पहले तक अपन घर में बंद हते लॉकडाउन के चलते। जैसे ही लॉकडाउन खुलो सब अपने घरन ते निकल पड़े और घर ते निकलने को मतलब भयो भीड़ भाड़ को शुरू होनो। और जब भीड़ भाड़ निकली घर ते तो आप समझ सको हो कोरोना वायरस ने और जोर पकड़ लियो। यानी आज हम जो महामारी ते जूझ रहे हैं बातें हमें बचनो है। रहीमन वहां ना जाइए जहां जमे हों लोग, ना जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। जी हाँ आप समझ रहे होंगे मैं कहा कहना चाह रही हूँ। भैया कई महीना तक हम सभी कोरोना जैसी महामारी से जूझते रहे और ऐसी महामारी जाके अभी तक कोई दवाई ही ना बनी है। पर हाँ अगर जाते अपने आप को बचाना है तो वो है 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। भैया जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कही कि घर से निकलवो शायद अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए समाज के लिए सभी के लिए दुखदाई है। अगर आप घर से निकल भी रहे हैं तो मास्क लगा लें मुंह पे। अगर आपके पास मास्क ना है तो रुमाल है गमछा है बाकू जब तक बाहर हैं घर से आप लगाए ही रखें। और जब घर से घर में भीतर आ जाएं तो अपने साबुन से हाथ पैर धो लें कपड़ान को भी धो लें है सके तो नहाए भी लें ताकि जो आप घर से निकले रहते जो वायरस अगर आपके शरीर में आ गया है तो वो हट जाएगा। अब बात आवे कि कैसे पता चले कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो सुनो। सबसे पहले तो आपको गला सूखेगा सूखी खांसी होगी तापमान बढ़ जाएगा यानी बुखार आएगा सांस की तकलीफ है जाएगी और गंध की कमी है जाएगी। गंध की यानी आप कोई चीज़ को सूंघोगे तो आपकी समझ में ना आएगी। जैसे कि आप स्वस्थ होते बात समय जो समझ में आती काई कि ये आम की खुशबू है कि अमरूद की खुशबू है वो आप ना समझ सकोगे। आप सोचोगे मौसम बदल रहे हो जाले हैं जी परेशानी है रही है पर भैया अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जा के अपनी जाँच करा लो। अब बात करें 2 गज दूरी की। कोरोना वायरस यानी COVID-19 को सही मायने में मात देना है तो हम सबन को 2 गज की दूरी को अनुशासन को अपने जीवन में उतारना होगा। जा समय देश एक ऐसे वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे है जो कि अदृश्य है और अनजान है। यानी अगर हम मलेरिया की बात करें तो हम समझ सके हैं कि मलेरिया जो है एक एनोफिलीज मच्छर के काट देते है जाए पर जाके तो जो कोरोना वायरस है समझ में ही ना आ रही है कि ये कैसे है रहे है यानी अदृश्य है और अनजान है। ऐसे में बातें सुरक्षित रहने को जो जरूरी सावधानी को बरतना है जाते बचवे के लिए सार्वजनिक स्थल जैसे आप घर से बाहर निकले भीड़ भड़क्के के इलाके में निकले एक दूसरे से कम 2 गज यानी 6 फुट की दूरी बना के रखें क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के खांसवे या छींकवे से निकलने वाली जो बूंद है बाकी संपर्क में आए हुए थे आप भी संक्रमण के शिकार है सको हो। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें जहाँ तक है सके घर पर ही रहें में बाजार को कोई काम है अगर तो एक बार में बाहर कर ले में और घर से बाहर निकल रहे थे पहले जैसे हमने बताया कि आप मास्क लगा ले में और मास्क ना है तो रुमाल या गमछा वगैरह वो लगा लो ना ताकि नाक और मुंह जो है वो ढके रहे में। बाहर से आते ही अपने साबुन से हाथ धोले में पैर धोले में और ये ना है कि ऐसे ही हमने धो लिए उंगलियों के बीच तक जो है अंदर ऊपर तक मतलब 5 मिनट तक आप बाहर धो में 5-10 मिनट के अंतराल में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सफाई को विशेष ध्यान हमें रखना है। ध्यान रहे 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी है यानी सोशल डिस्टेंसिंग। जीवन में इन बातों को अपनाएंगे तो कोरोना से हम सुरक्षित रहेंगे। यानी हाथन को साबुन पानी से बार बार अच्छी तरह धोएं। सार्वजनिक स्थल यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। बाहर निकल रहे थे मास्क जरूर लगावें नाक मुंह आँख को ना छूएं। खांसते छींकते और थूकते समय रुमाल का प्रयोग करें। कोई अगर पास में खड़ा हो तो बातें दूर
होके खांसे। अगर आपके पास कोई खास रो छींक रो तो बाउते आप कहमे कि भैया हम ते दूर है जा और मुंह पे हाथ रखे खांस, रुमाल या गमछा जो भी तेरे पास होए। अगर यहाँ कोई चीज़ पड़ी दिखे अनावश्यक तो बाकू नाए छुएं, ध्यान, योग और प्राणायाम करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार ले में, और सबसे बड़ी बात बुजुर्ग, छोटे बच्चा और गर्भवती तभी घर से बाहर निकले जब बहुत ही जरूरी होए। किसान भैया ते भी हम ये कहेंगे कि भैया आप अपने खेतन में काम करो हो, काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर में हाथन को साबुन से धोते रहे में, सैनिटाइज कर लें और उचित दूरी बनाए रखें। अपने कृषि कार्यन में जो भी आपके कृषि यंत्र हैं बिनको भी आप सैनिटाइजर कर लें ताकि कई प्रकार को संक्रमण बिनते ना फैले। तो भैया ये तो हती अपनी दो गज दूरी ते जो बनाए रखनी है और बातें कैसे बचनो है। वैसे वो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, ऐसे में कोरोना के संग संग गर्मी ते हो अपने आप को बचाए रखनो है। भैया गर्मी के कारण देखो है ना कैसे टप टप पसीना टपक रहे हो है, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। जैसे ही घर से बाहर निकले हैं जी, लॉकडाउन अपनो ख़त्म है और लोगन की भीड़ बाहर निकलते ही पसीना टप टप टपक पे लगो, और ऐसे में है सके जब पसीना ते हो संक्रमण है जाए। तो इन बातन को ध्यान